कितने बजे की बात है, कितने बजे ये हुआ था? रात को करीब 10:30 बजे जब हम घर पे सो रहे थे, मेरा पूरा परिवार सो रहा था, तब 3 गाड़ियां आई वहाँ पे, 10 लोग आए छत पे चढ़ के, उन्होंने हमारे साथ। अच्छा, 3 गाड़ियां थी या 2 गाड़ियां? 3 गाड़ियां थी। ठीक है, लेकिन लोग 10 आए थे ऊपर, बाकी वाले नहीं आए। 10 लोग आए थे, उन्होंने पूरे परिवार के साथ मारपीट की और सरिया वगैरह सारा सब कुछ था उनके पास, पिस्तौल भी थी, फायरिंग भी हुई यहाँ पे। अच्छा अच्छा, कहाँ आप लोग जो हैं घर में, और कौन कौन थे आपके साथ, और आप लोग कहाँ छत पर सो रहे थे या वो कहाँ से आए थे वो लोग? हम छत पे सो रहे थे, मेरा परिवार पूरा, पापा मम्मी 2 भाई मेरी 1 बहन है, सब सो रहे थे। वो छत मतलब बाहर से आए थे, जैसे विद्युत का खंभा है उसके ऊपर से उसका सहारा लेके उसके ऊपर चढ़ के वहाँ पे ऊपर आए थे। फिर आते ही क्या आपके साथ सबके साथ मारपीट की? हाँ, सबके साथ मारपीट की उन्होंने। हाँ, फिर क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मारपीट की उन्होंने मेरी, पहले तो मेरी बहन को नीचे फेंका छत से, फिर उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उन्होंने कहा ये तो छोटे, ये तो बड़े वाली है, तब भी मेरे को फेंका और वहाँ से नीचे फेंका, तब वो बाद में मुझे घसीट के वहाँ से गाड़ी में डाल के गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की और मुझे धमकी भी दी वहाँ पे मेरे साथ, मतलब बलात्कार करने की कोशिश भी की थी। कितने लोग थे वो और कौन थे वो? भवरा राम, मदन और पूनम, ओम प्रकाश, हरीश। आप इनको जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ उनको। अच्छा, घर पे जब आपके आए तब उन्होंने क्या बोला था आपको, किस लिए क्या बोल के आपको उठाया था? उन्होंने कहा कि मतलब बाल विवाह हुआ है तो हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो तेरे को मार देंगे यहाँ पे, या तो मारेंगे या तो फिर लेके जाएंगे, कुछ तो कुछ तेरे साथ करेंगे। अच्छा, कितनी दूर आपको घर से कितनी दूर तक ले गए थे वहाँ? दूर तो लगभग 30-40 किलोमीटर। 30-40 किलोमीटर। अच्छा, फिर गाड़ी में जब आपको कौन सी गाड़ी में डाला था और वो लोग क्या बातें कर रहे थे? रेप करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे यही कहा था रेप करके मार देंगे। रेप करके मार देंगे। अच्छा, तो फिर कैसे छुड़ाया आपको लोगों ने और फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ? पहले तो मैंने अपने खुद को छुड़ाया, वो कोशिश मतलब गाड़ी में डाल के सारे मेरे ऊपर बैठ गए थे, मेरे अंदर से पूरे कपड़े फाड़ दिए। फिर लगभग जैसे ही मतलब वो जानने करने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं पुलिस पहुंच गई ऊपर और मुझे वहां से छुड़ा लिया। अच्छा, फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया, आपके पूरे परिवार को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया? पहले तो शिव में किया था, पहले सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने कहा यहाँ पे ये मतलब वगैरह दवाई वगैरह नहीं है यहाँ पे, उसने डॉक्टर ने मना किया, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी पट्टी वगैरह सब हुई और बाद में मेरा परिवार भी वहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पे आकर वार्ड में लगे। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी और किस प्रकार से विवाद बढ़ गया? बचपन में हुई थी, याद तो नहीं है मुझे शादी। अच्छा, आप जब छोटी थी बचपन में आपकी शादी कर दी गई थी, उसके बाद आप ससुराल नहीं जा रहे थे? नहीं। हाँ, तो मैंने मना कर दिया, जब मैं बड़ी हुई मैं पढ़ाई कर रही थी, उन्होंने मना किया, मतलब इसको पढ़ाना नहीं है, मैंने कहा मैं इसके पीछे जाऊंगी नहीं, मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि जान कैसे नहीं आएगी हमारे पीछे, हमारा नाक क्यों कटवा रही है, ऐसे वैसे धमकी दी मुझे। अच्छा, ये जो आप जिसके साथ आपकी शादी हुई थी बचपन में, वो कभी आपके घर आए थे कभी, इससे पहले कभी आए हुए हैं क्या? नहीं, एक बार मेरे पीछे घुमा था जब मैं पढ़ने के लिए जा रही थी एग्जाम देने के लिए, तभी मेरे पीछे आया था उसने, मेरे साथ वहाँ भी किया था, लेकिन पकड़ा तो नहीं, दूर खड़ा था वो। कब से था ये, कब की बात है? ये भी बहुत पुरानी बात है। अच्छा, वो लड़का क्या करता है, क्या नाम है उसका? मुझे नहीं पता, लेकिन नाम भवरा राम है। अच्छा, नाम उसका भवरा राम है। तो फिर अभी आपके जब घर आए तब वो भी उनके साथ में ही था? हाँ, वो भी उनके साथ थे। फिर आपने उनको पसंद नहीं था और शादी करना मना कर दिया? हाँ, मैंने पहले ही पापा को मना कर दिया, पापा ने कहा जबरदस्ती हम करेंगे नहीं, अगर तुझे नहीं जाना है तो। उन्होंने कहा हम जबरदस्ती लेके जाएंगे। तभी वो लड़कों को लेके आया साथ। तो आप उनसे शादी की आपको पसंद नहीं है या किसी और से शादी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना, कारण क्या है? नहीं, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीए में। अच्छा, बीए। अच्छा, और अभी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, अब आप लोगों की मांग क्या है? यही है, सारे गिरफ्तार हो, सारों सबको सजा हो। कौन जो मुझे न्याय मिले, मुझे तलाक चाहिए उनसे। अच्छा, आपकी शादी जो बचपन में उसमें तलाक चाहिए? हाँ। कौन किसको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं और कौन कौन बाकी हैं? वो तो सारे बाकी है, जो जिन्होंने ऐसा किया था वो तो अभी तक पकड़े ही नहीं है। भवरा राम, मदन, पूनम जैसे, ओम प्रकाश, वो सब नहीं पकड़े अभी तक, खुले ही घूम रहे। अच्छा,
आप परिवार को और धमकियां भी मिलती थी उससे पहले? हाँ, उससे पहले भी मिलती थी, लेकिन अब भी दी है। मुझे कहा अगर तूने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। हाँ, आपको ये कहा जब आप गाड़ी में किडनैप करके ले जा रहे थे? अच्छा, ठीक है।